नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में जबलपुर की स्पेशल टीम एसटीएफ वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी के सहयोग से विलुप्त प्रजाति वन्य प्राणी पेंगुलिन जानवर की स्किन तस्करी हेतु दो बोरी में रखे लगभग 18 किलो जब्त करते हुए तीन आरोपी को धर दबोचा है। शहडोल जनपद में जबलपुर की स्पेशल टीम एसटीएफ व वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी के सहयोग से विलुप्त होने वाली प्रजाति पेंगुलिन जानवर की स्किन तस्करी हेतु दो बोरी में रखे हुए 18 किलो को किया है जब्त। वहीं तीन आरोपी को अपने गिरफ्तार में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। पेश है शहडोल से अमिताभ शर्मा की खास रिपोर्ट। पता ना बड़ी ना, ठीक है, बढ़िया। हां सर, बताया शहडोल आप आए हुए थे, क्या कार्रवाई की गई? शहडोल हम आए थे, हमारे पास जानकारी थी कि पेंगुलिन स्केल का ऐसा इलीगल व्यापार होता है, तो ये सूचना हमने टीआई साहब के साथ में शेयर किया पहले, और उसके बाद में हमने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ये 18 केजी पेंगुलिन स्केल है और इसको पकड़ा, और उनके साथ में तीन आरोपियों में को भी पकड़ा है। तो कुल मिला के ये जो एजेंसीज़ का आपस में सहयोग रहा, जिसमें एसटीएफ भी था, यहाँ का लोकल पुलिस भी था और डब्ल्यूसीसी भी था, तो तीनों के सहयोग से हमने ये सफलता हासिल की। सर, कितने लोगों की टीम आई थी टोटल? ये टोटल 8 से 10 लोगों की टीम आई थी, कुछ इसमें इंटेलिजेंस के लोग भी होते हैं, तो ये टीम मिला के हम लोग ने ये कार्य किया। इसकी बाजारों की क्या होगी? बाजार की इसकी कीमत वैसे कोई होती नहीं है, क्योंकि एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से एक आदेश है कि इसकी अखबार में कीमत नहीं दिखाई जाए। उसका जो कारण है कि कीमत को देख के जो गरीब जनता है उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो। वैसे इसका कोई कीमत नहीं है, ये प्योरली कैरेटिन से बनता है और अनप्रूवन मेडिसिन है, ऐसा कुछ नहीं जिससे मेडिसिन बनता है, ऐसा कुछ नहीं। किस उपयोग में लाया जाता है? उपयोग का इसका ऐसा कोई मेडिसिनल वो नहीं हो पाया है, बट लोगों को एक गलत धारणा या जो लोग इस धंधों में लिप्त है वो एक गलत जानकारियां करके जो गरीब तबका है, जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, उनसे ये कार्य करवाते हैं। सर, क्या कार्रवाई की, क्या क्या धारा लगाई है इनके ऊपर? कार्रवाई यथासंभव जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कहाँ ले जा रहे थे इन लोग? ये किसी दूसरे आदमी को इन्होंने देना था, उस बीच में सूचना हमको प्राप्त हुई और सरफ के एसटीएफ के माध्यम से, लोकल पुलिस के माध्यम से हमने कार्रवाई की। आरोपी कहाँ कहाँ के? ये आरोपी दो यहीं के हैं, लोकल नज़दीक के हैं और एक बार का है। आज एक वाइल्ड लाइफ की टीम जबलपुर से और एसटीएफ की टीम अपने यहाँ आई हुई थी, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय को एक इनपुट दिया कि विलुप्त प्रजाति पेंगुलिन का स्किन का यहाँ से व्यापार का एक इनपुट मिला हुआ है, कोई सौदागर का इंतजार कर रहे हैं, दो तीन लोग हैं, उन पर कार्रवाई करना है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक ज्वाइंट टीम गठित करके कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया, जिस पर हम लोगों ने अपने नया बस स्टैंड के पास तीन लोगों को एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है। दो लोग जो गिरफ्तार हुए बुढ़ार के रहने वाले हैं और एक अपने उमरिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, मानपुर थाना क्षेत्र का। उनसे करीब 18 किलो पेंगुलिन स्किन की मात्र जब्त की गई है। पेंगुलिन स्किन बहुत विलुप्त प्रजाति है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सतर्क है, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में की गई है। सर, और कोई शामिल हो सकते हैं इसमें? इसमें और काफ़ी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और हमारी सारी टीम उस पर लगी हुई है और काफ़ी उसमें प्रयास जारी है।